छोटा सा शहर में 13 साल की एक छोटी सी लड़की नंदिनी अपनी मौसी और मौसा के साथ रहती थी। उसके माता पिता एक कॉन्ट्रैक्टर के पास मजदूरी का काम करते थे। नंदिनी जब 10 साल की थी तब एक दिन काम करते समय नंदिनी के पिताजी के ऊपर एक बनती हुई इमारत के ऊपर से एक बड़ा सा तख्ता गिर रहा था। वो देख नंदिनी की माँ उसे बचाने के लिए आई, लेकिन वो तख्ता दोनों के ऊपर ही आकर गिरी। दोनों ही बहुत ज्यादा घायल हो गए और अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। अब मेरा क्या होगा माँ बाबा? रो मत मेरी बच्ची, मेरे खुद का तो कोई औलाद नहीं है, तो तू मेरी बेटी बनकर मेरे पास ही रहेगी। नंदिनी बहुत खूबसूरत और हसमुख थी, पर उसके मौसा प्रभास बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था। खुद तो कुछ काम करता नहीं था, ऊपर से देवकी दूसरों के घर में काम करके जो पैसा लाती थी उसे भी शराब में डुबा देता था। देवकी और नंदिनी को बहुत गरीबी में दिन गुजारना पड़ता था। बेटी, आज भी घर में खाना बनाने के लिए एक चावल के दाने तक नहीं है, और ऊपर से ये आदमी सब पैसा शराब में उड़ा देता है। अब मैं खाने के लिए तुझे क्या दूं बच्ची? मौसी, आप ऐसे मत रोइए। वैसे भी मुझे आज भूख नहीं है, आज रात पानी पी के ही सो जाती हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी वजह से तुझे कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। मौसी, मैं एक बात बोलूं, क्यों ना मैं भी आपके साथ काम पर जाऊं? वैसे भी घर पर मेरा तो कोई काम नहीं रहता है ना, वहाँ आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। पर बेटी, तू तो अभी छोटी है, तू दूसरों के घर में काम करने के लिए जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे मौसी, मैं छोटी कहाँ हूँ, मैं तो अब बड़ी हो गई हूँ, और मैं अगर आपकी थोड़ी मदद कर पाई तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है मेरी माँ, कल से ले जाऊंगी तुझे। अब खुश? हाँ, बहुत खुश। ठीक है, अब जल्दी से सो जा, बहुत रात हो गई है। फिर अगले दिन सुबह देवकी नंदिनी को साथ में काम पर ले जाती है। नंदिनी को देखकर घर की मालकिन देवकी से कहती है, अरे देवकी, तेरे साथ ये लड़की कौन है? ये मेरी भांजी है मेम साहब, मेरे साथ आने के लिए जिद कर रही थी इसलिए ले आई। बहुत ही प्यारी बच्ची है, पर इसे स्कूल न भेजकर काम पर क्यों लेकर आई हो? क्या करूं मेम साहब, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम इसे स्कूल भेज पाए। ठीक से तो दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, ऊपर से मेरे शराबी पति खुद तो कुछ कमाता नहीं, उल्टा जो मैं लेकर जाती हूँ वो सब भी वो शराब में उड़ा देता है। समझी। ठीक है, तुम एक काम करो, बचा हुआ खाना घर लेकर चली जाओ, और कल से मेरा बेटा राहुल नंदिनी को पढ़ाया करेगी। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर देवकी और नंदिनी दोनों घर चली जाती है, और घर आकर देखती है प्रभास दारू पीकर घर की सारी चीज इधर उधर बिखर कर रख दिया है। ये सब देखकर नंदिनी प्रभास से कहता है, मौसा, आप क्यों इतना शराब पीते हैं? आपने तो शायद खाना भी नहीं खाया होगा। आप दिन भर ऐसे ही शराब पीते रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना शराब मत पिया कीजिए। चुप कर लड़की, एक दिन क्या घर से निकली तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी, अब तू मुझे सिखाएगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं? पर मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। चुप, एकदम चुप, और एक भी शब्द बोले तो तेरी जुबान खींचकर बाहर निकाल दूंगा। चुप हो जा नंदिनी, इसे छोड़ दे इसके हाल पर, तुझे भूख लगी होगी ना, चल तुझे खाना देती हूँ। फिर देवकी और नंदिनी मिलकर घर का सारा सामान समेट कर खाना खाकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह देवकी नंदिनी को लेकर काम पर निकल जाती है।
और वहाँ सारा काम खत्म करके राहुल के पास पढ़ने के लिए बैठाती है। राहुल इस बार कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भर्ती हुआ है। वो नंदिनी को कुछ किताब और लिखने का सामान देता है। ए लो, ये सब तुम अपने साथ ले जाओ। मैंने आज जो सिखाया उसे बाद में याद करना। ठीक है। नंदिनी की पढ़ाई के वजह से उस दिन दोनों को घर में आने में देर हो रही थी और प्रभास के पास शराब पीने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वो शराब के लिए पागलों की तरह कर रहा था। फिर वो देवकी और नंदिनी को आते हुए देखकर और भी गुस्सा हो गया और देवकी की बाल खींचकर उससे कहा, इतनी देर तू कहाँ थी? बोल, तुम दोनों के बहुत पर निकल आए हैं, इस पर को काटना ही पड़ेगा। ये लड़की जिस दिन से घर में आई है उस दिन से मेरा सुख चैन सब कुछ खत्म हो गया है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये तो छोटी बच्ची है, ये तो हमारी लक्ष्मी है, आप इसे कुछ मत बोलिए। अरे काहे की लक्ष्मी? मुझे शराब पीने से रोकेगी? अब देखना मैं इस लक्ष्मी का क्या करता हूँ। ये बोलकर प्रभास गुस्से से घर से निकल जाता है। ये सब देखकर नंदिनी बहुत घबरा गई और रोने लगी। चुप हो जा मेरी बच्ची, रो मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए ये आदमी तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे 3 साल बीत गया। अब राहुल के पास पढ़ाई करके नंदिनी भी बहुत कुछ सीख गई थी। फिर एक दिन शाम को नंदिनी और देवकी काम से जब घर लौटा तब देखता है प्रभास एक आदमी के साथ घर पर बैठकर शराब पी रहा है। नंदिनी जब घर के अंदर आती है तब वो आदमी नंदिनी को अपनी गंदी नजरों से घूर रहा था। ये सब देखकर देवकी गुस्से में आकर प्रभास से कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? और बाहर के आदमी को घर के अंदर क्यों लेकर आए हो तुम? अभी इसी वक्त इस आदमी को घर से बाहर भेजो। ये क्या तेरे अकेले का घर है? ये मेरे घर में आई है, तेरा कोई हक नहीं बनता, तू इसे बाहर निकाले। देवकी तब बहुत गुस्सा हो जाती है और झाड़ू लेकर उन लोगों के पास जब जाती है तब वो दोनों ही डरकर वहां से चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद वो आदमी प्रभास से कहता है, प्रभास मेरे दोस्त, मैं तुझसे एक बात बोलूं? हाँ बोल। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी है, क्या तू मुझे वो लड़की देगा? क्या तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है। सोच ले, मैं इसका बहुत अच्छा कीमत दूंगा। अच्छा, कितना कीमत देगा? पूरे 50,000। देख, मंजूर है? रकम सुनकर लालच में प्रभास की आंखें चमकने लगी। हाँ मंजूर है, मैं सही मौका देखकर उसे तेरे हाथों सौंप दूंगा, आफत जाएगी मेरे घर से। फिर एक दिन नंदिनी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो देवकी के साथ काम पर नहीं जा पाई और घर पर ही आराम कर रही थी। तब प्रभास मौका अच्छा देख नंदिनी से कहा, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा कहा था, तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चल, दवाई खाएगी तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। ये सुनकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है और कुछ ना सोचकर प्रभास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन प्रभास उसे उसी आदमी के पास लेकर आया। उस आदमी को देखकर नंदिनी को शक हो गया। मौसा, आप तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे, फिर इस आदमी के पास क्यों लेकर आए? यही तो तेरा डॉक्टर है। नंदिनी कुछ समझने से पहले ही उसे एक नशीली चीज सुंगाकर बेहोश करके प्रभास उस आदमी से पैसा लेकर चला जाता है। इधर शाम को जब देवकी घर आता है, नंदिनी को घर पर ना देखकर वो डर जाती है और प्रभास से पूछने पर वो भी उसे कुछ नहीं बताता। तब देवकी बहुत परेशान हो जाती है और नंदिनी को इधर उधर ढूंढने लगती है, पर नंदिनी उसे कहीं नहीं मिलती। तब देवकी
अपनी मालकिन के घर जाकर उन लोगों को सब कुछ बताता है। सब सुनकर राहुल कहता है, आंटी आप परेशान मत होइए, मेरे एक दोस्त के पापा पुलिस ऑफिसर हैं, मैं उससे बात करके देखता हूँ। तुरंत ही राहुल उस ऑफिसर को इस घटना के बारे में बताता है। सब सुनकर वो ऑफिसर पहले प्रभास को अरेस्ट करते हैं, फिर उसे मार मार कर उस आदमी के बारे में पता कर लेते हैं। फिर राहुल पुलिस को लेकर नंदिनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। देर रात को वो लोग एक पुराने गोडाउन के पास आते हैं। अंदर वो हैवान नंदिनी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये सब देखकर पुलिस तुरंत घर के अंदर घुस जाता है और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। नंदिनी डर के मारे जाकर राहुल को कस के पकड़ लेती है। घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। 3 सालों से नंदिनी को पढ़ाते हुए राहुल के दिल में नंदिनी एक जगह बना ली थी। उसकी माँ भी नंदिनी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए राहुल उसकी माँ से कहा, माँ आप तो नंदिनी को पसंद करती ही हैं और मैं भी शायद उससे प्यार करने लगा हूँ, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ खुशी से मान जाती है। फिर राहुल बड़े धूमधाम से नंदिनी से शादी कर लेती है और शादी के बाद राहुल और उसकी माँ नंदिनी से बहुत प्यार करती है। ये देख देवकी भी निश्चिंत हो जाती है।